भाजप नेते जेव्हीएल नरसिंह राव यांनी जेएनयू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांची फी वाढ ही काळानुरूप गरजेची आहे असं म्हणत त्यांनी या फी वाढीचं समर्थन केलंय. तसंच विद्यार्थ्यांनी सरकार आणि प्रशासनासोबत चर्चा करावी असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे. केंद्र सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय ने हर तरह के विषय में छात्र संगठनों के साथ भी बात करने के लिए एक कमिटी का गठन किया. उसके पहले भी वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस प्रकार कल प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ है उससे आम आदमी और जो सामान्य जनता है उनके मन में ये शक पैदा हुआ कि क्या इस प्रकार के वायलेंस के साथ, कानून के उल्लंघन के साथ क्या कोई स्टूडेंट्स इस प्रकार का बर्ताव करते हैं. ये राजनीति से प्रेरित काम ज़्यादा दिखता है. और आज के ज़माने में कोई 10 रुपये में 20 रुपये में महीना भर के किराए दे करके इस देश में कहाँ होता है मुझे दिखा दीजिए. क्या समय के अनुसार उनमें उनके बढ़ाना, उनको में बदलाव करना क्या समय की आवश्यकता नहीं है. और जो लोग दिल्ली में नर्सरी में क्लास 1 के पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए सालाना 1 लाख रुपया फीस भरते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी क्या 20 रुपये में 10 रुपये में मिलना जरूरी है? क्या वो 1 लाख रुपया नर्सरी के लिए खर्च कर सकते हैं? क्या पूरे साल में क्या यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए 50,000 खर्च नहीं कर सकते हैं?